हाय, गुड मॉर्निंग। आपको पता है मैं 2 घंटे पहले उठ चुकी हूँ और अभी टाइम बज रहा है 8। और सुबह उठ के मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, जैसे कि ब्रश करना, सुबह उठ के पानी पीना, वॉक पे जाना, लौट के आना, अपने भाई साहब को सी ऑफ करना ऑफिस जाने के लिए। ये तो दोबारा शूट करना पड़ा आप लोगों के लिए, जिससे कि अचानक से मैं सुबह सुबह उठूंगी तो आप मेरी शक्ल देख के डर ना जाओ। जोक्स अपार्ट, बट अचानक से कोई रात में कैमरा रख के ऑन करके तो नहीं सो सकता ना, इसलिए मुझे दोबारा शूट करना पड़ा। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो फटाफट चलो चलते हैं, अपने सारे काम आज दिन भर के निपटाते हैं। और आज आप मेरे साथ उल्टे रहने वाले हो, अपना बैग पैक कर लो, अपना टिफिन पैक कर लो। नहीं, मेरे साथ भी लंच कर सकते हो, मेरे साथ भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो चलते हैं। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ काम वाली बाई के अवतार में, और अब मैं सबसे पहले अपने पूरे घर की डस्टिंग करूंगी और फिर मैं पूरे घर की झाड़ू लगाऊंगी। सो गाइस, मेरा झाड़ू पोछा, घर की सफाई, डस्टिंग और ये सब करने के बाद अब मेरा काम हो गया है खत्म। अभी वैसे काम खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने से पहले मैंने सोचा कि आज मैं खुद को पैम्पर करूँगी, क्योंकि अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आज मैंने अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपनी क्लीनिंग करने के लिए स्पेशली मैंने लिया है ये अश्योर नेचुरल का फेस स्क्रब, जो कि पपाया एक्सट्रैक्ट के साथ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये पैराबेन और सल्फेट फ्री है, और उससे अच्छी चीज़ ये है कि ये पीटा सर्टिफाइड है। इसका मतलब यह है कि टोटली ऑर्गेनिक है और इसमें किसी भी पशु या पक्षी या किसी को भी हार्म नहीं किया गया है। तो शुरू करें, अगर आपको ये दिख रहा है तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्किन की डेड स्किन को हटाता है, ब्लैक हेड्स को दूर करता है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारी स्किन में जो भी रिंकल्स होते हैं वो दूर होते हैं और हमारी स्किन और भी ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग दिखती है। सो अब मैं नहा चुकी हूँ। हाँ, मतलब अभी लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, अब मैं जा रही हूँ अपने पेड़ों में पानी डालने। आपको मिलना है मेरे पेड़ों से? मेरे पेड़ नहीं यार, मैंने घर में पेड़ नहीं लगा, घर में इतनी जगह भी नहीं है मेरे कि मैं पेड़ लगाऊँ। मेरे पौधों से मिलने चल, ज़्यादा नहीं है, 2 ही 4 हैं, चलते हैं। तो ये एलोवेरा है, और ये जो है ना, ये किसी फूल का है, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता। और ये जो है, ये शमी का पेड़ है, इसको शमी का पौधा है एक्चुअली। इसको कहते हैं कि इसमें शायद शिव जी और शनि जी का वास है, आई एक्चुअली डोंट नो। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें भी डालूंगी। और इनको तो आप सभी जानते हैं, ये हमारी तुलसी माता हैं, तो हम अपनी तुलसी माता में, मैं जनरली पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ तो मैं अपने तुलसी माता में पानी डाल देती हूँ। इसमें मैंने धनिया लगाई थी, जिसमें कि अभी थोड़ी थोड़ी निकलनी स्टार्ट हो गई है। और ये एक ऐसे इंडोर प्लांट है। और यहाँ पे शिमला मिर्च का पौधा निकल रहा है, मैंने एक बार ऐसे बीज डाल दिए थे तो इसमें शिमला मिर्च का पेड़ निकल रहा है। तो इस तरीके से करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे थोड़े से मैंने अपनी बालकनी में ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं। मैं थोड़े से और लगाऊंगी, मौसम अच्छा होने दो, मौसम अच्छा हो रहा है फिर लगाऊंगी। और ये मेरे कबूतरों का बर्तन है, इसमें मैं रोज़ पानी रखती हूँ, तो मेरे कबूतर आ करके इसमें पानी पीते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, यहीं पे आके ना मंडराने शुरू कर देंगे। और ये मैं बगल में इनके लिए थोड़े से चावल भी रखती हूँ, इनका दाना और पानी दोनों। अब ये थोड़ी देर में आएंगे और इसको चुग के चले जाएंगे, अभी आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ये लड़ते भी हैं, पता है आपको, खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं पोहे और गर्मा गर्म चाय, और अब मैं अपनी पेट पूजा करने जा रही हूँ। आ गया हमारा कबूतर दाना चुगने के लिए, आज तो अकेला ही आया है। कभी कभी कबूतर एंड कबूतरी दोनों आते हैं, मुझे नहीं पता है कबूतरी ही कबूतर है, आई रियली डोंट नो, लेकिन कभी कभी दोनों आते हैं और दोनों बहुत लड़ते हैं खाने के लिए। आज ही अकेला क्यों आया है मुझे नहीं पता, शायद इसका झगड़ा हुआ होगा। मुझे ना यहाँ बैठ के टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है, इनको देखना बहुत अच्छा लगता है खाते हुए, फिर इसी में अंदर बैठ के नहाते हुए अपना शुद्धिकरण ये सब यहीं बैठ के करते हैं।
तो मैं इन्हें देख के अपना अच्छा खासा टाइम पास कर लेती हूँ। आया आया आया, दूसरा भी आया। ये देखो, मुझे ऐसा लगता है इंसानों से दोस्ती करने से ज़्यादा बेटर है कि मैं इन पक्षियों से दोस्ती कर लूँ। आते हैं, खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, और पता है अब तो ये मुझे पहचानने भी लगे हैं। बहुत पास तक आ जाते हैं कभी कभी, उड़ते उड़ते, और पास में आके बैठ जाते हैं। अच्छा लगता है इनके साथ टाइम पास करना मुझे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ना ये मेरी भाषा समझते हैं और ना मैं इनकी भाषा समझती हूँ। शायद पहले ना इसने अपने फ्रेंड का वेट किया होगा, जब इसका फ्रेंड नहीं आया है उसके बाद इसने अकेले खाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए तो इतनी देर तक ये अकेले टहल रहा था। चिड़िया ने खाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम करने। भाई मतलब कि लंच का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं लंच तैयार करने। आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी, लेकिन उसके पहले मैं अपनी सब्जियों को वेज फ्रू वॉश में धो लूँगी। मैं अगर इसके बारे में बताऊँ तो ये एक क्लीनिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग सॉल्यूशन है फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल वेजिटेबल और फ्रूट्स हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और कोरोना की वजह से वो सेफ नहीं होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको धुल लेते हैं। और मैं सबसे पहले बताऊं तो इसकी क्वालिटीज़ अगर मैं बताऊं तो इसके पास सर्टिफिकेट्स है, FSSAI से प्रमाणित है ये, इसके पास HACCP सर्टिफिकेट भी है। कोई सोप नहीं है, कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है, कोई क्लोरीन नहीं है, नो आर्टिफिशियल कलर, नो एल्कोहल, नो प्रिजर्वेटिव्स। तो मतलब ये है कि ये आपकी फैमिली के लिए और मेरी फैमिली के लिए, हम दोनों के लिए 100% सेफ़ है। आप इसमें अपनी वेजिटेबल्स 1 मिनट तक डाल के सोक करिए और उसके बाद बाहर निकाल करके उसे काट लीजिए, इट्स सेफ़। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, और अपने सारे दोपहर के काम फिनिश करने के बाद मैं जा रही हूँ शाम को चाय बनाने और कुछ खाने। यार बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि लंच मैंने किया था 1 बजे और अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो चाय तो बनती है ना। अगर आप भी चाय लवर हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी वाली चाय लवर हूँ, अगर आप भी चाय लवर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो, ये है मेरी चाय। मैंने आपको दिन में दिखाया था मॉर्निंग की टी जो मैं लेती हूँ वो मिल्क वाली, और जो मेरी इवनिंग की टी होती है वो विदाउट मिल्क होती है, यानी कि मैं अपनी ब्लैक टी लेती हूँ। अब हम चलते हैं, बाहर बैठते हैं चल के, क्योंकि मुझे शाम की चाय बाहर बैठ के पीनी बहुत पसंद है। क्या आपको पता है कि अपने लिए लाइफ में मी टाइम निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है? कुछ लोग अपना मी टाइम मॉर्निंग में निकालते हैं, कुछ लोग अपना मी टाइम इवनिंग में निकालते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि मेरी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो मैं अपना मी टाइम इवनिंग में निकालती हूँ, जहाँ पर मैं खुद से 2-4 बातें करती हूँ, चाय पीती हूँ और आते जाते लोगों को देखती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मी टाइम निकालने का टाइम कब मिलता है, या आप निकालते ही नहीं हैं, और अगर नहीं निकालते हैं तो प्लीज़ निकाला करिए, क्योंकि मी टाइम में आप जब अपने आप से बातें करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो किस गली आपको लेकर के जा रही है। तो आज के दिन भर में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया, खाने में क्या बनाया, वैसे मेरा डे रूटीन से ज़्यादा ये रूटीन ज़्यादा हो गया कि मैंने नाश्ते खाने में क्या बनाया, चलो। लेकिन मैं अचानक से ना, मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि लोग, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता। मुझे लगता है कि यार घर में रहने वाले जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा काम होता है, क्योंकि मैं जनवरी तक एक वर्किंग लेडी थी, मतलब मैं काम भी करती थी और घर के काम भी करती थी, और आज भी मैं ऑफिस छोड़ने के बाद ही मैं घर के काम करती हूँ। मैं आज भी बिज़ी रहती हूँ, मैं तब भी बिज़ी रहती थी, मुझे तब भी टाइम नहीं मिलता था और आज भी टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा बाहर निकलने वाले जो लोग हैं वो क्यों कहते हैं कि घर पे रहने वाले लोगों के पास कोई काम नहीं होता है? ऐसे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर आपको आया है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि भाई चाहे घर संभालने का काम करो या घर के लिए सामान लाने वाला काम हो, काम तो दोनों ही है ना। आप सामान ला के अगर घर पे रख देते हो और उस सामान को संभालने वाला कोई नहीं है, तो भी तो उस चीज़ का मज़ा नहीं है ना। अब बज चुके हैं रात के 9:30, मैं अपना डिनर कर चुकी हूँ, और डिनर में मैंने बहुत कुछ हैवी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ सूजी का चिल्ला बनाया था, क्योंकि रात में मेरी हेल्थ देख के लगता है ना कि लाइट खाना चाहिए, तो मैं रात में लाइट ही खाती हूँ।
और अब हम सो जाएंगे जैसे कि सुबह जल्दी उठे। वैसे भी मेरा सोना होगा नहीं, मुझे पता है अभी बहुत सारे काम और भी हैं जैसे किचन समेटना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो करते करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे साथ आज का दिन बिताना कैसा लगा। और आपको ये भी याद होगा कि अभी 4 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करने वाले हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे नवरात्रि से एक चीज़ याद आई कि हम अगले आने वाले 4 दिन बाद जो नवरात्रि आ रही है वो 9 दिन हम देवी माँ की पूजा करेंगे, है ना। ये 9 दिन तो हम पूजा करेंगे लेकिन बाकी के जो 365 दिन होते हैं उसमें -9 कर दो अगर, यानी कि 356 दिन हुए, यानी कि 356 डेज जो हुए, 56 ही हुआ ना, मेरी हिंदी की गिनती थोड़ी सी वीक है, तो 356 दिन जो हुए वो 356 डेज हम लड़कियों की इज्जत करना क्यों भूल जाते हैं। हम काली की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, हम बहुत सारी देवियाँ हैं, मतलब 9 टाइप ऑफ देवियाँ हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर हम वो देवियाँ अपने घर की बहू बेटियाँ और लड़कियों में क्यों नहीं देखते। अभी रिसेंटली जो 2 हफ्ते पहले एक रेप केस हुआ है हाथरस में, क्या उन, मतलब हम क्या सीख दे रहे हैं अपने घर के लड़कों को, या एक माँ अपने पेट में 9 महीने लड़कों को इसीलिए रखती है कि मतलब वो बाहर निकले और उस जन्म देने वाली माँ को ही नीचा दिखाए, क्या वो इसीलिए इतना पेन सहती है। सो गाइस, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं ना, जितनी भी मम्मियाँ हैं, जितने भी फादर्स हैं, मेरी उन सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहली चीज़ कि आप अपने बच्चों को यानी कि स्पेशली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना, दोनों को ये सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लड़कियों को तो स्पेशली सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बच्चे पे भरोसा कर सकते हो लेकिन दुनिया पे भरोसा नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अगर दुनिया नहीं सुधार सकते हैं हम, तो अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए, स्पेशली लड़कियों को, और लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना ज़रूर सिखाइए कि जिनकी हम 9 दिन पूजा कर रहे हैं, जिनको हम 9 दिन सम्मान दे रहे हैं, वो सिर्फ 9 दिन के लिए ही नहीं है, है ना। और आफ्टर ऑल एक रेप करने वाला जो है वो भी तो एक औरत के पेट से ही जन्म लेता है, फिर वो एक लड़की का रेप कैसे कर सकता है, उसको ये डिफरेंस ज़रूर सिखाइए, उसको ये लड़कियों के बारे में ज़रूर सिखाइए। चलिए मैं चलती हूँ, ज़्यादा टाइम ही लूँगी, वरना मेरे बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू ना बहुत लेक्चर दे दिया यूट्यूब पे, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना, टीचिंग जॉब में थी। तो अभी चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय बाय।